जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट जाने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर व्याप्त है। हालांकि सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट करा है। दरअसल रोज की तरह भोपाल से उज्जैन की तरफ जाने वाली भोपाल रतलाम पैसेंजर ट्रेन को पहले बैरागढ़ में चेक किया गया। समय अधिक हो जाने के कारण ट्रेन वहां से रवाना हो गई। बैरागढ़ से रवाना होने के बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ही पहले से तैनात बीडीडीएस, आरपीएफ व डॉग स्क्वाड की टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर माइक से अनाउंस कर ट्रेन से उतारकर सभी पैसेंजर्स की चेकिंग की। यात्री की चेकिंग के बाद उन्हें वहां से हटाकर पूरी ट्रेन की बारीकी से जांच की गई। इस सर्चिंग में आरपीएफ, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड ने ट्रेन के कोने कोने की सघनता से चेकिंग की। इस पूरी चेकिंग के बारे में रेलवे के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारी कुछ कहने से बचते रहे। 30 से 45 मिनट तक सघन जांच के बाद इस ट्रेन को रेलवे स्टेशन से आगे के लिए रवाना किया गया। हमें बैरागढ़ स्टेशन पर कोई संदिग्ध बैग मिला जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण थे, तो डाउट होने पे भोपाल आरपीएफ कंट्रोल ने रतलाम आरपीएफ कंट्रोल को सूचना दी कि गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामान मिला है। उस पर यहाँ आरपीएफ उज्जैन अपने रतलाम कंट्रोल की सूचना पर सतर्क हुई और यहाँ के लोकल बीडीएस को बुलाया गया और आरपीएफ स्टाफ के लोकल आरपीएफ डॉग स्क्वाड ने मिलकर गाड़ी संख्या 59320 वो भोपाल उज्जैन पैसेंजर है, जैसे ही करीबन समय 10:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई उसको ऑन अराइवल चेक किया गया और संदिग्ध वस्तु को चेक किया गया, लेकिन कोई भी विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ उसमें नहीं मिला।